मेवाड़ की एक कहानी आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। मात्र शक्तियां काफी बहुत मात्रा में मौजूद है, बहुत अच्छी कविता है। भूमिका सिर्फ इतनी सी कि तुम नवेली पीढ़ियों के सारथी हो जाओगे, थाल पूजा के बनोगे, आरती हो जाओगे और देश के इतिहास का यदि अंश भर जानोगे जब, बस उसी क्षण आप सच्चे भारतीय हो जाओगे। वाह। रावल रतन सिंह को दिल्ली से छुड़ा के लाया गया है चित्तौड़ और गोरा बादल वहां शहीद हुए हैं, बलिदान हुए। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी, उस परांबा भगवती माता पद्मिनी के चरणों में अपनी पंक्तियां रखता हूं। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे सुनेंगे, मैं शुरू करता हूं कि रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था। एक एक पंक्ति पर ध्यान चाहेंगे। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो तिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजड़े को तोड़ गए थे और दुश्मनों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के कर्तव्य उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और मुगलों के मुंड चुकाए। तो इधर नगाड़े बजे उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में छल लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुकी खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। शाबाश शाबाश, राम ते खड़े कर दिया, बहुत अच्छे राम। तुम कविता की ताकत, तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों सेना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो, तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुफ्त सेना को रोका जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी मान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। यो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे, तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी, वक्त अभी रुकने का है मेरे आका, रुक जाओ और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। वक्त अभी झुकने का है मेरे आका, झुक जाओ, सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। भैया ये पंक्तियां सुन, हाँ बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छा राम। कि चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सिंह ऊंचाई, आय हाय आय हाय, फिर से पढ़, वाह। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, दुर्गों का राजा अंबर सिंह ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। क्या बात है, क्या बात है छोरे, वाह 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 वाह। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सिंह ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला बेध लेने वाली पर नित्य नीतियां करता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया से। अरे अच्छा, राम राम जिंदाबाद, बहुत अच्छे। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना,
दीवार दुर्ग की धधक रही थी दंगल के जंगल में, और दुष्ट दारुण दुख पाते मेवाड़ी मंगल में, जिधर देखते थे केवल बस रेत दिखाई पड़ता, सन्मुख किला किले सन्मुख रणखेत दिखाई पड़ता। सुनो सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एकलिंग महादेव वरदान किले के ऊपर। किला किलेश्वर क्या कमाल था, कुशल कमान वही था, किला किला था केवल किला किले का नाम नहीं था। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले, बोले हुकुम, किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ाए हैं, खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज खबर ये रतन सिंह के उतरी नहीं गले से, थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी, उस दिन रावल को सचमुच गोरा की कमी खली थी। आए हाय, आए हाय, और क्या इतिहास का पक्ष लाया है बेटा, बहुत अच्छे। एक आरोप लगा कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। उन इतिहासकारों के सामने एक प्रश्न खड़ा करता हूं, बिना नेतृत्व वाली सेना चित्तौड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर खिलजी के जबड़े से अपने राजा को छुड़ा के ला सकती है? वो 8 महीने तक अपनी छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी, सुबह किले के बाहर निकलेगी, करेजा चीर के हाथ में दे देगी। 8 महीने, 8 महीने पंक्तियां पढ़ता हूं कि ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं मृत्यु के भय से चुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं। अरे यार, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी, कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी, केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फिर से पढ़, वाह। कि पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थल में सोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, कई घरों में कोलाहल की चीखें चिल्लाती हैं। तो खिलजी की सेना में हैं जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले, वो भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। अरे यार, वाह 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 वाह, नहीं पढ़ते, बहुत अच्छा। जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। तो सभा बुलाई गई और सारे मंत्री बुलवाए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है रावल, देर न करना और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना। कोई कहे शत्रु सन्मुख है रावल, देर न करना और पड़ोसी राजाओं के लिए टेर मत करना, है सच्चा सूर वीर वही जो मारे या मरता है। कितने भी स्वान सिंह घेरे पर सिंह नहीं करता है, अरे मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राण अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो भय का कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब कहीं हमारा स्वाभिमान मर जाए, मृत्यु तभी जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाए। राजन क्षमा, मगर कहता हूं कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो फिर मौन मृत्यु होती है। और योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है तो मौत खड़ी होकर फिर उसका इंतजार करती है। मारे यार, रावल बोले चट्टानी योद्धाओं शस्त्र संभालो, करो भुजाली गर्म और फिर दोहरी धार लगा लो, माना दुश्मन अधिक और हम सब संख्या में कम है, किंतु विजय या वीर गति चुन लेने में क्या गम है। चलो खिलजियों की अंतिम अरदास मिटा कर आए, चलो समर में योद्धाई की आग लगा कर आए, चलो समंदर में चलकर तूफानों से टकराए,
चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिलाकर आए, चलो बता दें उन्हें युद्ध कैसे जीते जाते हैं, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। वाह, अरे आज पुकारा मातृभूमि ने, आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की, क्या अद्भुत माया है, आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। अरे आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा वाला आज प्रसाद मिला है, इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आँच न आने देना, याद रहे कि जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिष्ठित आन बान पर दाग नहीं लग पाए, याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। अरे वीर विजय मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। अरे विजय अगर हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए, और वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, तू सुनाओ, पूरी सुना इस कविता को, बहुत अच्छे। वीर गति हो तो ऐसी इतिहास अमर हो जाए, तो पहले कफन बांध लो सर पे फिर भगवा बंधवाओ। पहले कफन बांध लो सर पे फिर भगवा बंधवाओ, इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ, अंतिम बार नमन कर लेना वीरों इस माटी को, अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो, अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो, अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का, अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का, अंतिम बार एक दूजे को दे लो आज बधाई, अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। अंतिम तक लड़नी होगी लड़ाई, तो अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई, तो सब कुछ सब कुछ सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला, पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला, मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी, एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी, पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बंधाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया, ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। यार भाई साहब क्या बात है, इससे बड़ा पुरस्कार तेरे लिए कुछ हो भी नहीं सकता। मुकुट भाई साहब ने तुझे माला पहनाई है, तेरा कविता पाठ सफल हो गया, बहुत अच्छा है बेटा, शाबाश। ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे, अब माताओं आपके पक्ष की पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ, माता पद्मिनी आ रही है, आप कैसे सुनेंगे आप तय करना। ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे, तो योद्धाओं ने शस्त्र संभाले जीन दरी घोड़ों पे, माथे पर माटी लगवा कर हुई होड़ होड़ों से होड़ लग गई एक दूजे से पहले कौन मरेगा, होड़ लग गई एक दूजे से पहले कौन मरेगा, सबसे पहले रक्त तिलक मिट्टी का कौन करेगा, सबसे पहले दुश्मन दल में जाकर कौन नचेगा, सबसे पहले खिलजी की छाती पर कौन हंसेगा, सबसे पहले मातृभूमि का कौन दुलार करेगा, सबसे पहले माँ जननी का कौन श्रृंगार करेगा, तो केवल मैं गूंज रही थी हम तुम शब्द नहीं था, सबने ही हुंकार भरी थी कोई निशब्द नहीं था, सारे महारथी और योद्धा पैदल घोड़े वाले, कुछ तो केवल 13-14 के प्यारे मतवाले, कुछ की दाढ़ी बड़ी हुई थी पर तलवार लिए थे, बढ़ती उम्र दिखती थी पर मूछ पे धार दिए थे, कुछ तो पहले से घायल थे लेकिन अड़े हुए थे, मातृभूमि की रक्षा में मरने को अड़े हुए थे। और ध्यान अब चाहता हूं कि दृश्य देखकर रावल की आंखों में पानी आया, दृश्य देखकर रावल की आंखों में पानी आया, बहुत प्रयास किया तब जाकर शब्द कोई मिल पाया, द्रवित हृदय और गर्वित स्वर से फूटे शब्द फुहारे, जैसे कोई पिता पुत्र को अंतिम बार पुकारे, जैसे खुद भगवान भक्त की भक्ति पर मन हारे, ऐसे रावल खड़े हुए थे अपनी बाह पसार, ऐसे
ऐसे रावण खड़े हुए थे अपनी बाह पसारे कि योद्धाओं तुम ही हो गौरव गान बचाने वाले, तुम सब ही हो स्वामी भक्त अरमान बचाने वाले, तुम ही हो मेवाड़ मंस का मान बचाने वाले, तुम ही हो रानी पद्मिनी की आन बचाने वाले, तुम ही सत्य सनातन का यशगान बचाने वाले, नमन तुम्हें है पूरा हिंदुस्तान बचाने वाले। शाबाश राम, बहुत अच्छे। तो सैनिक बोल पड़े, राजन इसका अभिमान नहीं है। दीदी सुनना, सैनिक बोल पड़े, राजन इसका अभिमान नहीं है। राजपूत बोले, राजन इसका अभिमान नहीं है, ये दायित्व तो हमारा है, कोई ऐसा नहीं है। मातृभूमि है माई, तो माई के लिए लड़ेंगे, जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे, सत्य सनातन ताकि ठकुराई के लिए लड़ेंगे, अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे, किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे, जग में भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। तो कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ, युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन, कल का सूरज देखेगा इन दिलवालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले मां के लालों का जलवा, कल जीवन का अंत दिवस, कल जीवन का अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा, तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा, कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे। फाटक खुले, किले भीतर से लावा फूट पड़ा था, और खिलजियों पर भूखे सिंहों सा टूट पड़ा था, पद चापों से उड़ी धूल धरती को गगन बनाती, मातृभूमि की रक्षा का क्या अनुपम दृश्य दिखाती, हर हर महादेव की ध्वनि से गुंजित हुई दिशाएं, तभी अग्नि की तेज लपट से चलने लगी हवाएं, तो बढ़े काल से हाथ मिलाने, सर पर कफन लपेटे, आज चले आखेट खेलने एक लिंग के बेटे, आसमान विष भुने हुए बाणों को उगल रहा था, और काल भी तीव्र गति से जीवन निगल रहा था, योद्धा अपनी योद्धाई का कर्तव्य दिखा रहे थे, माटी और लाल होवे सो स्वर्णित मिला रहे थे, उस रोज मौत रणभूमि में कईयों मौतें मरती थी, तलवार ढाल से टकराती थी, टंकारे भरती थी, उस रोज दामिनी भाले के नोकों से खेल रही थी, और कालिका स्वयं स्वर्ग से रक्त उड़ेल रही थी। तो अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने लिखा, तो स्वाभिमान की एक कथा रणमध्य गढ़ी जाती है, मगर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है, शाका इधर उधर जौहर, क्या तालमेल अलबेला, मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलवेला, स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े, तो लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे, वो सारे श्रृंगार मात ने अंतिम बार किए थे, पहला श्रृंगार भाल पर माने जब बिंदी को धारा, ऐसा लगा मात ने मस्तक पर दिनकर अवतारा, दूजा श्रृंगार आंख पर माने काजल को लगवाया, अस्त्र छलक ना पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई, तीजा श्रृंगार होठ पर माने लाली को लगवाया, अंगारों से अदर हो गए अग्निकुंड दहकाया, चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज विश्व ने देखा, जब माने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा। शाबाश, बहुत अच्छे। तो सजी, अंतिम चरण में हूं, मुझे विदा देना, सजी पद्मिनी माता संग 16,000 दीवानी, तभी हवाएं लगी बोलने, जय जय मात भवानी, चली आज अलौकिक ढंग से चित्तौड़ी ठकरानी, चली आज आकाश छेदने स्वयं पद्मिनी रानी। तो अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता
16,000 माओ को नहीं भुलाई जा सकती, कन्याओं की अटखेली नहीं भुलाई जा सकती, वो दुल्हन नई नवेली नहीं भुलाई जा सकती, वो गर्भवती योद्धानी नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी।